भारत सागर में माल्टा का जहाज हाईजैक हो गया है और भारतीय नौसेना से मांगी गई है मदद। 14 दिसंबर को मिला है इमरजेंसी का मैसेज और भारतीय नौसेना के वॉरशिप ने पीछा किया है। साथ ही आपको खबर यह भी दे दें कि एयरक्राफ्ट की से जहाज की जो लोकेशन है वो ट्रेस की गई है। कल जहाज के ऊपर भारतीय विमान ने उड़ान भरी थी, ये बड़ी अपडेट मिल रही है और जहाज में सोमालियाई लुटेरों के होने की खबर है। तो बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 6 बंदूकधारी लुटेरे जहाज में घुसे थे, सोमालिया की ओर बढ़ रहा है जहाज, लोकेशन ट्रेस की जा रही है लेकिन अभी तक एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पाई है। कार्गो शिप में 18 लोग सवार हैं। तो सबसे ज्यादा चिंता की बात यही है कि इस कार्गो शिप में 18 लोग सवार हैं, यानी 18 लोगों की जिंदगी पर भी बनी हुई है इस वक्त। देखिए ये इस वक्त जो है आपको प्रतीकात्मक वीडियो दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नेवी को माल्टा के जहाज एमवी रुएन की लोकेशन मिली है। सोर्सेज के हवाले से ये बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है क्योंकि लगातार जो है वो कार्गो शिप की लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा था। सबसे ज्यादा चिंता की बात यही है कि इस कार्गो शिप में 18 लोग फंसे हुए हैं, यानी 18 लोगों की जिंदगी पर बात बनी हुई है। सोर्सेज के हवाले से एक राहत की खबर जरूर मिल रही है कि कार्गो शिप का जो लोकेशन है वो ट्रेस किया गया है। तो अपडेट आपको दे दें, अरब सागर में जहाज हाईजैक हुआ और भारतीय नौसेना का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। अब देखिए एक मैप हमने आपके सामने रखा है जिससे आपको काफी हद तक बहुत सारी जानकारी समझ में आएगी। माल्टा यहां से चला जहाज और उसके बाद सोमालिया, सोकोत्रा आइलैंड और यहां पर हमला हुआ है। कहा यह जा रहा है कि गल्फ ऑफ एडेन भारतीय नौसेना की एंटी पायरेसी पेट्रोल यूनिट है और इंडियन नेवी से हेल्प मांगी गई है, मदद मांगी गई है। वॉरशिप और नेवी एयरक्राफ्ट इस वक्त एक्टिव मोड में है, सक्रिय है, सतर्क है, लोकेशन लगातार ट्रेस की जा रही है, सोमालिया तट की ओर बढ़ रहा है ये जहाज। तो देखिए मैप के जरिए हमने आपको ये बताया है कि ये जो कार्गो शिप है कहां से निकला था, इस वक्त उसकी लोकेशन कहां पर पता चल पा रही है, लेकिन लोकेशन ट्रेस करने की लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से एक खबर यह भी सामने आई है कि लोकेशन ट्रेस की गई है। अब इसी के ऊपर अपडेट हासिल करते हैं, हमारे संवाददाता राजीव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, सोर्सेस के हवाले से एक राहत भरी खबर आ रही है कि लोकेशन ट्रेस कर ली गई है इस कार्गो शिप की, क्या अपडेट है इस बारे में आपके पास? बिल्कुल, देखिए जो नेवी के अधिकारी हैं उन्होंने TV9 भारतवर्ष को इस बात की बाकायदा पुष्टि की है कि सिर्फ लोकेशन ही नहीं ट्रेस किया गया बल्कि इस वक्त एक बहुत बड़ा ऑपरेशन अरब सागर में चल रहा है सोमालिया के लुटेरों के खिलाफ। हालांकि लोकेशन को लेकर उन्होंने इस लोकेशन एग्जैक्टली बताया नहीं कि यह ऑपरेशन कहां समंदर के किस हिस्से में चल रहा है, लेकिन लोकेशन कल ही उस वक्त ट्रेस कर लिया गया था जब लुटेरे जो हैं उस माल्टा के वेसल को लेकर सोमालिया तटबंध की तरफ जा रहे थे। उसी वक्त इंडियन एयरक्राफ्ट के जो प्लेन थी उन्होंने उसके ऊपर से उड़ान भरी और उस वक्त उन्होंने उस लोकेशन को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद में जो युद्धपोत है नेवी का उसको जानकारी दी गई, उसके बाद नेवी के युद्धपोत को रवाना किया गया था और अब यहां पर उन लुटेरों के खिलाफ एक बड़ी जंग, एक बड़ी ऑपरेशन जो है समंदर में चल रही है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि सोमालिया के इन लुटेरों के खिलाफ जो भारतीय युद्धपोत के जरिए जो एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें जो 18 क्रू मेंबर है जो कि उस माल्टा के वेसल में है उनको सुरक्षित बाहर लेकर आया जाएगा। ठीक है राजीव, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखिए हमारे साथ रक्षा विश्लेषक का ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद ऑगस्टीन सर भी जुड़े हुए। सर स्वागत है आपका। विनोद सर, जैसा आपने सुना कि सोर्सेस के हवाले से जानकारी है कि भारतीय नेवी ने कंफर्म किया है कि हमें लोकेशन मिल गई है लेकिन अभी भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई गई है। सोमालिया के खिलाफ ये जो विशेष ऑपरेशन चल रहा है इंडियन नेवी का, 18 क्रू मेंबर इस जहाज में फंसे हुए हैं, आगे की जानकारी क्या आप दे सकते हैं, क्या शेयर कर सकते हैं, आगे किस तरीके से ऑपरेशन चलेगा? हम देखिए ये जो सोमाली पायरेट्स का जब ये सारी गतिविधियां बढ़ने लगी तो एक मल्टीनेशनल लोगों को वहां लगाया गया जिसमें पाकिस्तानी शिप्स शामिल हैं, चाइनीज शिप्स शामिल हैं और इंडियन शिप्स भी शामिल हैं। और मैं दर्शकों को और आपको ये बताना चाहूंगा जो जो शिप्स में हमारा सामान जो आता है वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं होता है, माल्टा में रजिस्टर्ड होता है। मोस्ट शिप्स, सारे दुनिया के जो 70-80% शिप जो हैं माल्टा में रजिस्टर्ड होती हैं क्योंकि माल्टा में रजिस्ट्रेशन की जो कॉस्टिंग है बहुत कम होता है जो जिसकी वजह से वहां रजिस्टर्ड होते हैं। तो
जो कमर्शियल शिप ऑपरेशन है बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स किस्म का एक एक ऑपरेशन है। और दूसरी बात, ये जो शिप हो या उसके अंदर के माल हो, ये इंश्योर्ड होती हैं किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत। इंडिया में कोई इंश्योरेंस कंपनीज नहीं है जो इनके शिप्स को या इनके माल को इंश्योरेंस का जिम्मा लेते हैं। तो ये यूरोपियन कंपनीज होती हैं, इनकी भी इन्वॉल्वमेंट होती हैं। ये भी कहा जाता है, पुष्टि नहीं किया जा सकता, ये भी कहा जाता है कि ये इंश्योरेंस कंपनीज और ये जो सोमाली पायरेट्स है, इनका भी कोई आपस में कोई तालमेल है। तो जी बहुत ही बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ये। बट अगर शॉर्ट में बताऊं, जी हमारा ये काम होता है कि कोई भी शिप, इंडियन शिप हो, माल्टा शिप हो, या कोई भी शिप, उस कंबाइंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के दायरे में जो भी आता है उसमें उसको हाईजैक ना करा जाए, इस तरह का एक ऑपरेशंस के लिए ये शिप्स वहां पे, शिप्स ही जी नहीं, ये जो हवाई जहाज का जिक्र किया हमने, वो भी वहां तैनात किया जाता है। ये हवाई जहाज का काम क्या है, जल्दी से जाके लोकेशन पता करें, और शिप्स का काम है कि जल्दी जाकर के उनको इंटरसेप्ट करें। और नेवल शिप जो है वो दुगने तेजी से जाती है या तीन गुने तेजी से जाती है। ये जो मालवाहक शिप आप देखते हैं, ये 20 या 25 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से जाती है, 10 to 15 knots। लेकिन जो नेवल शिप्स होती हैं जी वो 30-35 knots की स्पीड से जाके इंटरसेप्ट करके इन्हें बचाया जाएगा। ये लोकेशन इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अगर लोकेशन पता लग गया इंटरनेशनल मीडिया में, जी तो सर बाकी जो पायरेट्स जो हैं वो भी आ जाके इनको, पायरेट्स को हेल्प करेंगे, इसीलिए वो बढ़िया। ठीक है। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी इंडियन नेवी का चल रहा है, जैसा विनोद ऑगस्टीन सर ने भी बताया है कि चैलेंजिंग तो जरूर है, क्योंकि अभी जो जानकारी, उसमें 6 लुटेरे हाईजैक कर चुके हैं शिप को और इसमें 18 क्रू मेंबर फंसे हुए हैं। लोकेशन मिल गई है, लेकिन इंडियन नेवी ने एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो फिलहाल इन्फॉर्मेशन अभी मीडिया तक शेयर नहीं की है। राजीव, आप भी नजर बना रखिएगा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऑगस्टीन सर, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े रहें आगे की जानकारी के लिए। और इस बीच देखिए, एक और बड़ी अपडेट मिल रही है, वो जल्दी से आपको बता देते हैं। हाईजैक पर भारतीय नौसेना का स्टेटमेंट आया है, बयान दिया गया है, हाईजैकर्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, इमरजेंसी कॉल मिलते ही एक्शन लिया जाएगा और पेट्रोलिंग यूनिट के एयरक्राफ्ट नजर रख रहे हैं। तो देखिए, ये बड़ी डेवलपमेंट है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इंडियन नेवी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि हर गतिविधि पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, जैसे ही हमें कॉल मिली है, इमरजेंसी कॉल मिली है, हमने फौरन एक्शन लिया है।